नवाब ढाबा नवाबों का आशियाना अब एक नए अंदाज में। नासिक रोड पर मौजूद ये ढाबा अब सिर्फ भिवंडीकर्स की ही नहीं बल्कि मुंबईकर्स की भी पहली पसंद बन चुका है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, क्रिकेट नेट के साथ साथ सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी पॉइंट के भी पूरे इंतजाम मौजूद हैं इस ढाबे पर। बिरयानी, बटर रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी चिकन बेहद लजीज और नायाब, जो एक बार खाए तो दोबारा खाए बिना रहा ना जाए। आप भी एक विजिट जरूर करें। भिवंडी के मानकोली में एक केमिकल गोडाउन में आज भयानक आग लग गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है और किसी जानी नुकसान की भी खबर नहीं है। घोड़बंदर रोड पर केमिकल से भरे हुए ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रही। खबर के मुताबिक गुजरात से रत्नागिरी जा रहे एक ट्रक में केमिकल वगैरह लोडेड था। रात के 2 बजे ट्रक ड्राइवर का ट्रक पर से कंट्रोल हट गया और ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। हादसे की वजह से ट्रक का सारा फ्यूल रोड पर बहने लगा और घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। 48 घंटे पहले अंडमान में मॉनसून के प्रवेश होने के बाद वेदर डिपार्टमेंट ने ये अंदाजा लगाया है कि गर्मी से जूझ रहे मुंबईकर्स को 6 जून को मिलेगी राहत। यानी कि 6 जून को मुंबई में मॉनसून का प्रवेश हो जाएगा, लेकिन आने वाले 4 दिनों में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो सकती है, इसलिए महाराष्ट्र के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रैली में बीजेपी के हिंदुत्व को जहरीला और शैतानी बताया है। साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि फ्यूचर में शिवसेना कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न राजीव गांधी के कातिलों में से एक कातिल पिरारी वलन को रिहा किया जाने वाला है। 31 साल जेल में रहने के बाद अब कोर्ट ने पिरारी वलन को आजाद करने का फैसला किया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 1998 को पिरारी वलन को सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन 2014 में इस सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया था। भिवंडी के बाद अब थाने में पानी की किल्लत। पानी की कमी होने की वजह से थाने के ग्रामीण इलाके के लोगों ने पानी की टाकी के नीचे अनिश्चित भूख हड़ताल कर दी है। लोगों का कहना है कि जिस पाइपलाइन से उनके गांव तक पानी भरा जाता है, उस पाइपलाइन में कई गैर कानूनी नल हैं, जिसकी वजह से उन्हें पानी कम मिलता है। अब इंडियन नेवी की पावर और भी बढ़ गई है। आज मुंबई के मझगांव डॉक में पूरी तरह से भारतीय बनावट की लड़ाकू नाव INS सूरत और INS उदयगिरी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की उपस्थिति में समुन्दर में उतारा गया। इन नौकाओं में रडार से बचने के साथ साथ और भी कई खूबियां हैं। इंडियन नेवी की जांच होने के बाद इन दोनों नौकाओं को पूरी तरह से इंडियन नेवी के सुपुर्द किया जाएगा। इंडिया के पास आया एक और गोल्ड। ब्राजील में हो रहे डेफ लोगों के ओलंपिक में महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली प्रियेशा देशमुख ने निशानेबाजी में अपना जोर दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस जीत के बाद एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। किसानों के सरकारी मुआवजे की रकम गबन करने वाला मास्टरमाइंड डिप्टी तहसीलदार विट्ठल गोसावी गिरफ्तार। बता दें कि नकली किसान बनकर कुछ लोगों ने सरकारी मुआवजे के 11,66,64,000 रुपए हड़प लिए, जिसके बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आज मुंबई नासिक हाईवे पर शाम 5 बजे के करीब एक सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में कई लोग घायल हो चुके हैं। ये सारे लोग एक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे और हादसे की वजह से सभी को चोट आई है। हादसे में जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।